हेलो गाइस, टॉप 10 कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनमें आपको जरूर एडमिशन लेना चाहिए, जिन कॉलेजेस को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, अपने प्रेफरेंस लिस्ट में आपको रखना ही चाहिए। एंड इनमें से कुछ कॉलेजेस में अगर आपकी नाम आती है तो आपको डेफिनेटली उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाहिए। चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, मैं सारे स्ट्रीम्स के 10 अलग अलग कॉलेजेस आपको बताने वाला हूं जो कि टॉप 10 कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको बता आपको क्या करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और एंड तक देखना। छोटी सी बात आपको और बता दूं कि अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप अभी क्लास 12th में हो और आने वाले टाइम पे आप अगर CUET की तैयारी करने वाले हो, तैयारी करना चाहते हो, तो डोंट वरी, तुम्हारे भैया लेके आए हैं तुम्हारे लिए पूरी की पूरी CUET की कोर्सेस, जहां पे आपको CUET की पूरी A to Z प्रिपरेशन कराएंगे हम। तो अगर आपको हमारे CUET कोर्सेज में एनरोल करना है तो आपको बस छोटी सी सिंपल स्टेप है, इस वीडियो के स्क्रीन पे आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी, उस व्हाट्सएप नंबर में जाके आपको बस हाय भैया लिख के टेक्स्ट करना है और हमारे तरफ से आपको पूरी CUET के कोर्सेज की डिटेल एवरीथिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप डेमो लेक्चर्स पहले देखो, समझो, अगर आपको अच्छी लगती है, सारी डिटेल कोर्सेज की अच्छी लगती है तो ही आप उस कोर्सेज को लो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया तो हमेशा तुम्हारे साथ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो भी मैं टॉप 10 कॉलेजेस आपको अभी बता रहा हूं, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, याद रखना कि जो भी कॉलेजेस है वो अलग अलग होंगे। मतलब साइंस के लिए अलग होंगे टॉप 10 कॉलेजेस, आर्ट्स के लिए अलग होंगे, कॉमर्स के लिए अलग होंगे। कभी भी टॉप 10 कॉलेजेस आप सेम नहीं बोल सकते हो तीनों स्ट्रीम के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट है, टॉप कॉलेजेस है, तो ये कॉमर्स के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो साइंस वालों के लिए बेस्ट है, ठीक है? तो साइंस वालों के लिए वो अलग कॉलेज फिर आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप SRCC को कॉमर्स वालों के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रखते हो तो उसको आप साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं रखोगे। अगर आपको स्टीफन, सेंट स्टीफन लगता है कि नंबर 1 कॉलेज है आर्ट्स वालों के लिए, तो वो आर्ट्स वालों के लिए ही है, वो कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। इसीलिए टॉप 10 कॉलेजेस अलग अलग है। ओके, चलिए बहुत भसड़ हो गई, अब वीडियो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आर्ट्स कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करता हूं, जितने भी आर्ट्स वाले बच्चे ध्यान से सुनो। नंबर 1 कॉलेज जो तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, नंबर 1 मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस देखो बाबू, बहुत ही तगड़ी कॉलेज है, रैंकिंग इस कॉलेज की बहुत बेहतरीन है एंड पिछले कुछ सालों से मिरांडा हाउस टॉप होते आया है, तो मिरांडा हाउस को आप नंबर 1 प्रायोरिटी में रख सकते हो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो। ओके, सेकंड नंबर पे आपको अगेन सेंट स्टीफन, आप इस कॉलेज को नहीं भूल सकते हो, बहुत ही उम्दा कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज है एंड इस कॉलेज की अलग रेपुटेशन है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सेंट स्टीफन एक ब्रांड है अपने आप में। ओके, लेकिन मिरांडा जो है टॉप में तो है, लेकिन वो गर्ल्स कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, तो जितने भी लड़के हैं वो वहां एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है? खुश मत हो ज्यादा, तुम्हारे लिए स्टीफन है। ओके, वैसे स्टीफन कोई मतलब छोटी मोटी खेल नहीं है, उसको क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज आर्ट्स वालों के लिए भी बहुत अच्छी कॉलेज है एंड कल तक इस कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना था तो कुछ कोर्सेज जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, यहां पर 99% प्लस से कट ऑफ खुलती थी, समझ सकते हो? इतनी ज्यादा कंपटीशन है इस कॉलेज के लिए और इतनी ज्यादा मारा मारी, इतनी ज्यादा डिमांड है कि 99 प्लस से कट ऑफ खुल रही है। तो हिंदू कॉलेज बहुत ही तगड़ी ऑप्शन होने वाली है, थर्ड नंबर पे आप रख सकते हो। फोर्थ नंबर पे आएगी आपकी LSR, लेडी श्री राम कॉलेज, और ये आपकी साउथ कैंपस की कॉलेज है, लेकिन ये इतनी तगड़ी कॉलेज है साउथ कैंपस के होने के बावजूद, ये नॉर्थ कैंपस के अच्छे अच्छे कॉलेजेस को बीट कर देती है, तो LSR जरूर रहेगी फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे जो कॉलेज रहेगी वो रहेगी हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज भी काफी अच्छी कॉलेज है, आपके शाहरुख खान जी, हमारे शाहरुख खान जी वहीं से निकले हैं, तो पता ही होगा आपको, बाहर आपको पोस्टर देखने को मिल जाएगी शाहरुख खान की। ओके, हंसराज कॉलेज बहुत अच्छी है। उसके बाद आती है KMC, किरोड़ीमल कॉलेज, हमारे अमिताभ बच्चन जी के कॉलेज, अमिताभ बच्चन का अपना खुद का नहीं है, सरकार का कॉलेज है, लेकिन वो वहीं से पढ़े हैं। ओके, KMC कॉलेज काफी अच्छा है, इसे आप सिक्स नंबर पर रख सकते हो। उसके बाद आती है आपकी वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये आपकी साउथ कैंपस की कॉलेज है, अगेन जैसे LSR है तो ये भी वेंकटेश्वरा साउथ की है, और ये कॉलेज ऐसी कॉलेज है कि बहुत सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस बीट कर देती है अपने कोर्सेज के मामले में, पढ़ाई के मामले में। ओके, तो सेवंथ नंबर पे आप वेंकी को रख सकते हो। एट्थ नंबर पे आप रामजस को रख सकते हो, जो कि नॉर्थ कैंपस की काफी बेहतरीन एंड शानदार कॉलेज है, इसको भी रख सकते हो, बहुत बच्चों के दिमाग में, डिमांड में, जबान पे रामजस रामजस आपको मिलेगा सुनने को, जब आप DU जाओगे आपको पता लग जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है? अच्छी कॉलेज है। उसके बाद नाइन्थ नंबर पर आप रख सकते हो SGTB खालसा कॉलेज, यहां पर सिख लोगों की रिजर्वेशन होती है, तो यहां पर थोड़ी रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगी, खालसा कॉलेज बहुत ही बेहतरीन एंड उमदा कॉलेज है। एंड दसवें नंबर पर फाइनली आप रख सकते हो DRC दौलत राम कॉलेज, जो कि एक वुमेन्स कॉलेज है। तो ये कुछ आपको प्रेफरेंस मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू आर्ट्स। अब जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हो, इनमें से कोई भी कॉलेज अगर आपको शुरुआत में मिलता है, स्टार्टिंग के कट ऑफ में, जरूर अपना सीट वहां पे बुक करो और इसमें एडमिशन लो, तुम्हारा करियर खराब नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, बहुत ही टॉप कॉलेज है ये, जितने भी कॉलेज मैंने बताया एलीट क्लास के कॉलेजेस है, मत छोड़ना इनमें से कोई भी कॉलेज में, अगर तुम्हारा नाम आता है तो बहुत ही शानदार उमदा कॉलेज है। ओके, अब बात करते हैं कॉमर्स वालों के लिए एंड उसके बाद बात करेंगे साइंस वालों के लिए, मगर आर्ट्स वाले भाग मत जाना, वीडियो के एंड में बहुत सारी टिप देने वाला हूं तुम्हें,
बने रहो। ओके चलो, कॉमर्स वालों की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में आपकी आती है बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। याद रखना बहुत से ऐसे कॉलेज है जो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स कराते हैं एंड बहुत से ऐसे कॉलेजेस भी है जो बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम दोनों कराते हैं। बीकॉम ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपके 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। ओके तो बीकॉम का मतलब कॉमर्स का जो सबसे टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पूरे भारत में, वो है SRCC, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कौन नहीं जानता है इस कॉलेज को भैया, बवाल कॉलेज है। ओके बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम नहीं होगी, बीकॉम ऑनर्स होगी, तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए क्लास 12th में SRCC में एडमिशन लेने के लिए। सेकंड नंबर पे आती है अगेन आपकी हिंदू कॉलेज, बहुत ही अच्छी बहुत ही उमदा कॉलेज है, तो कॉमर्स वालों के लिए सेकंड नंबर पे आएगी। देख रहे हो ना कैसे आपकी आर्ट्स वालों के लिए सबसे नंबर वन पे मिरांडा थी, लेकिन अब यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए नंबर वन पे SRCC चली गई। इसलिए मैंने कहा है स्ट्रीम टू स्ट्रीम डिफर करेगा कॉलेज टू कॉलेज कौन सा कॉलेज होगा टॉप 10 में। ओके तो सेकंड नंबर पे आपकी हिंदू हो गई कॉमर्स वालों के लिए। थर्ड नंबर पे आपकी जाएगी LSR, अगेन LSR साउथ कैंपस की कॉलेज है बट स्टिल कॉमर्स के मामले में बहुत अच्छी रेपुटेड टॉप कॉलेज है। ओके उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपकी आएगी हंसराज कॉलेज, काफी अच्छी कॉलेज है। हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस की कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का आपको एक्सपोजर भी मिलेगा एंड हंसराज खुद में भी एक बहुत अच्छी ब्रांड है। ओके उसके बाद बढ़ते हैं KMC, किरोड़ीमल कॉलेज, आप फिफ्थ नंबर पे रख सकते हो। KMC नॉर्थ कैंपस की एक ऐसी कॉलेज है जहां पे आपकी बीकॉम प्रोग्राम में भी एडमिशन होती है, तो इस बात का ध्यान रखना अगर आपके मैथ्स नहीं है तो भी आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो नॉर्थ कैंपस में, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए। सिक्स नंबर पे आती है आपकी वेंकटेश्वरा कॉलेज, वाकई में बहुत अच्छी कॉलेज है वेंकटेश्वरा, ट्रस्ट मी मैंने अपने आंखों से देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चों को अपने टाइम पे भी, कि कुछ बच्चों का नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में हुआ और कुछ बच्चों का वेंकी में हुआ, मतलब एक ही बच्चे का नॉर्थ कैंपस के वेंकी में भी हुआ एंड सॉरी नॉर्थ शिट एक ही बच्चे का नॉर्थ कैंपस के रामजस या KMC में भी हुआ और उसी बच्चे का साउथ कैंपस के वेंकी में भी हुआ। ओके फंस गया, तो बच्चों ने क्या करा कि वेंकी चुन लिया और रामजस और KMC को ठुकरा दिया, तो ये चीज भी मैंने देखा है। वैसे आप ये करो जरूरी नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वाकई में कॉलेज बहुत अच्छी है। ओके तो वेंकटेश्वरा बहुत अच्छी कॉलेज है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो सिक्स नंबर पे। सेवन नंबर में आपकी रामजस आएगी, बहुत अच्छी कॉलेज है एंड रामजस एंड KMC एकमात्र ऐसी कॉलेज है जो आपको ऑप्शन देती है बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए विदाउट मैथ्स इन नॉर्थ कैंपस, तो अच्छी ऑप्शन देखने को मिल जाती है आपको। एट्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगी खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज आपको पता है रिजर्वेशन चाहिए खालसा कॉलेज में, मगर काफी अच्छी कॉलेज है, आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। नाइन्थ नंबर पे आती है आपकी DRC दौलतराम कॉलेज, काफी अच्छी कॉलेज है एंड 10th नंबर पे आती है आपकी DCAC, काफी अच्छी कॉलेज है, अगेन बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे दोनों होती है। DCAC एक साउथ कैंपस की कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये रही टॉप 10 कॉलेजेस फॉर कॉमर्स। ओके अब हम बात करते हैं साइंस वालों के लिए, साइंस वाले बहुत पूछते रहते हैं बेचारे हमारा कहाँ एडमिशन होगा क्या होगा नहीं होगा, तो सुनो घबराओ मत, तो मैं बता रहा हूं सबसे पहले जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए अगेन नंबर वन पे जाएगी आर्ट्स वालों की तरह ही मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस बहुत तगड़ी कॉलेज है, साइंस में भी ले लो आर्ट्स में भी ले लो। एंड दूसरे नंबर पे जो कॉलेज जाएगा वो जाएगा सेंट स्टीफन, अगेन आर्ट्स की तरह ही। सेंट स्टीफन एंड मिरांडा वन और टू पोजिशन मेरे हिसाब से हमेशा होल्ड करता है, आगे भी कर सकता है पिछले आने वाले कुछ सालों तक, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छी कॉलेज है एंड आर्ट्स और साइंस में इनकी पकड़ बहुत बहुत स्ट्रांग है। ओके उसके बाद आती है थर्ड नंबर पे हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांड है, मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर रखा है। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ नंबर पे हंसराज कॉलेज, काफी अच्छी कॉलेज है हंसराज फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे आप रख सकते हो KMC को, किरोड़ीमल कॉलेज, किरोड़ीमल काफी अच्छी कॉलेज है, बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है आपको देखने को। सिक्स नंबर पे आती है आपकी वेंकटेश्वरा कॉलेज, अगेन साउथ कैंपस का कॉलेज है बट बवाल कॉलेज है वेंकटेश्वरा कॉलेज। सेवन नंबर पे आती है आपकी LSR लेडी श्रीराम कॉलेज, अब आप LSR को ऊपर रख सकते हो वेंकी को नीचे रख सकते हो, LSR सिर्फ लड़कियों के लिए ही कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, इसलिए हर बार मैंने इसको ऊपर रखना सही नहीं समझा, इस बार मैंने इसको नीचे रखा है, बाकी दोनों एक ही पोजीशन होल्ड करते हैं। अगर आप लड़की हो गर्ल कैंडिडेट हो, अगर आपके LSR वेंकी दोनों में निकल जाता है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बढ़िया कॉलेज है, लेकिन अगर लॉन्डे हो तो तुम्हारे लिए वेंकी है, LSR तुम नहीं जा सकते हो। ओके ज्यादा ख्वाब मत देखो, फूलो मत। ओके एक नंबर पे आती है आपकी रामजस कॉलेज, अगेन काफी अच्छी कॉलेज है साइंस वालों के लिए भी, बहुत मतलब डिसेंट स्कोर में भी आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है, नॉर्थ कैंपस का भी आपको एक्सपोजर मिलता है, तो वाजी वाह बहुत बढ़िया। ओके नाइन्थ नंबर पे आती है आपकी SGTB खालसा कॉलेज, बेहतरीन कॉलेज है, उमदा कॉलेज है, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बस वही थोड़ा रिजर्वेशन का पंगा है, अगर है सिख वाला तो कोई दिक्कत नहीं। ओके लास्ट आपकी DRC दौलतराम कॉलेज, बहुत अच्छी कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। मगर ये तो हो गई आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स की टॉप 10 कॉलेज, क्या इसको छोड़ के और अच्छी कॉलेजेस नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्या हमारा कम स्कोर आया तो एडमिशन नहीं हो सकता है? इन बातों का जवाब देने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा कि अगर आपका एवरेज स्कोर है तो टॉप 10 कॉलेज कैसा होगा, काफी लो स्कोर है तो टॉप 10 कॉलेज कैसा होगा। बाकी मैं आपको ऊपर ऊपर से अगर आइडिया दूं तो बहुत से ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है जो इन कॉलेजेस के अलावा भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेज है जो कि साउथ कैंपस में आते हैं, जैसे कि आपकी भगत सिंह कॉलेज, जैसे कि आपकी दयाल सिंह कॉलेज, जैसे कि अभी मैंने DCAC बताया काफी अच्छी कॉलेज है, तो देयर आर सो मेनी अदर गुड ऑप्शन फॉर
यू, अगर आपकी स्कोर थोड़ी एवरेज है, बिलो एवरेज है, डोंट वरी, मैं बता दूंगा, नीचे कमेंट कर देना। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन, आप अभी अपने क्लास 12th में हो एंड आने वाले टाइम पे आप अगर सीयूईटी की तैयारी करने वाले हो तो डोंट वरी, आपके लिए पूरी की पूरी सीयूईटी कोर्सेज का प्रबंध तुम्हारे भैया ने कर रखा है। अगर आपको रजिस्टर करना है, ज्वाइन करना है हमारे कोर्सेज को, एनरोल होना है, तो बस सिंपल सी प्रोसेस है, नीचे आपको नंबर मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप की, वहां जाके आपको बस हमें कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिखना है, उसके बाद आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा लगा तो लेना, नहीं अच्छा लगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ओके, जबरदस्ती नहीं है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, कोई भी बात हो वहां डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय।